हेलो जी, सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं मेहमतपुर गांव में हूँ। ये हिमाचल की पहाड़ियों की ओट में एक गांव है, बहुत बढ़िया। और ये जो आप मेरे सामने टेम्पल गुरु घर देख रहे हो, गुरुद्वारा चमचमाता, ये लू लग रही है और ये मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखाने के लिए लाया दिखाऊंगा आज कि कितना अच्छा महाराज जी का गुरु घर है और ये दूर से 1 किलोमीटर से लगभग कैसा चमकता है। और इसको अंदर जाके भी पूरा इसको दिखाऊंगा कितना अच्छा, सोना सुंदर, एकांत में। इधर का वातावरण भी बहुत अच्छा है। ये यमुनानगर से इधर सढ़ौरा विधानसभा में गांव पड़ता है, इधर से नारायणगढ़ की साइड जाते हैं तो आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने जूम किया हुआ था बहुत, तो उस कारण। और अभी मैं इस गांव में आपको लेकर आया हूँ, गांव में दिखाऊंगा कितना अच्छा गुरु महाराज जी का दरबार बना हुआ है। इन लोगों ने कितनी मेहनत और कितना सुंदर, मतलब क्षेत्र में अपना आप में एक बहुत अच्छा टेम्पल बना हुआ है। बड़ा मज़ा आया मुझे देख करके। और अब हम आ गए हैं गुरु महाराज जी के गुरु दरबार में। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मेरी तो मन भी पवित्र और आत्मा भी मेरी निहाल हो जाती है जब मैं गुरु महाराज जी के दरबार में जाता हूँ। ये देखो, ऊपर लिखा हुआ है, मन चंगा कटौती में गंगा, ओम सोम सतनाम, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी। और भाई, बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसा गांव है एकांत से में, और मैं हैरान के इन लोगों ने कितना, इनकी कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है इन लोगों में, कि इतना अच्छा सोना गुरु घर बना इन्होंने रखा है। बहुत पैसा लगा रखा है, मतलब अच्छा खासा स्टील का गेट, पत्थर और साफ सुथरा, मतलब मन भी आदमी का ऐसा लगता है बस गुरु महाराज जी के दरबार में बैठ के 1-2 घंटा यहीं भजन किया जाए और अरदास की जाए महाराज जी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अपने विशाल, ये हमारा दोस्त है और इसके प्रयास से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो और यहाँ एक आश्रम भी है इस गांव में, और ये तो गुरु घर है गांव का मेन मुख्य मंदिर, और एक आश्रम और है इनका, सत साहिब निर्णय आश्रम। तो और यहाँ चंद्रशेखर भाई भी आए थे इस मंदिर में, और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भी आगमन इधर होता रहता था। तो ये विशाल भाई हमें लाए हैं अपना मंदिर दिखाने के लिए गुरु महाराज जी का। तो अभी हम अंदर प्रवेश कर गए हैं गुरु महाराज जी के दरबार में। देखो कितना चकाचक, बस दिल खुश हो जाता है हमारे गुरु के। एक लड़ाई चली बहुत इस देश में कि हमारे लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता, जाने दिया जाता था। ये सतगुरु रविदास महाराज जी का मुख्य गद्दी लगा हुआ है। महाराज जी को पहले तो कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम, सतनाम, बंदगी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। सतगुरु रविदास महाराज ने परमात्मा को गरीबों का नवाज कहा है, अमीरों का नहीं, गरीबों का नवाज। कि गरीबी को नवाजने वाला, गरीबों का पालनहार, करता धरता सब तू ही है। और ये देखो चक्की इन्होंने बनाई हुई है बहुत अच्छी, मतलब कलाकारी को भी इनकी नमस्कार है। इन्होंने पता नहीं कितना मेहनत किया, किसका ये आइडिया था मैंने पूछा यहाँ का, तो यहीं के लोगों का इनका आइडिया है। ये चक्की गुरु रविदास महाराज जी का चक्की से भी संयोग है बड़ा। और वो तो कल्पना करते हैं और पूरे देश को चेतावनी के, दुनिया के लोगों को कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रहे, दास रहें प्रसन्न। कि ऐसा मैं राज चाहता हूँ, कोई छोटा बड़ा का भेद ना हो, सभी के घर अन्न जल रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होती। ये चक्की आप देखेंगे इतनी अच्छी सुंदर मनमोहक, इसको कैसे इन्होंने घुमाया है। और ये स्टील का तो पालकी के अंदर महाराज जी को गद्दी आसन पे बिठाया हुआ है। ये देखो बढ़िया ग्रेनाइट पत्थर लगा करके, बहुत बढ़िया सुंदर। और एक ये पालकी, और यहाँ गुरु महाराज जी की वाणियों को, जब शब्दों को पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं महाराज से, संध्या पाठ करते हैं, मन चंगा कटो, ये उसके लिए ये आसन बनाया हुआ। बहुत अच्छा, इन्होंने अपनी तरफ से सारे काम किए हुए हैं। लेकिन भाई, गांव वालों की एकता को भी बहुत प्रणाम है कि इन लोगों का इतना प्रेम और भाईचारा है कि इतना बड़ा मंदिर बनना, गुरु घर बनना बड़ी बात है। और ये सब काम वहीं होते हैं जहाँ एकता होती है, जहाँ अपनी यूनिटी होती है, जहाँ अच्छे। और वैसे भी इन्होंने जानकारी के अनुसार पता चला कि और समाज के लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं, बड़ा प्रेम भाव है इस गांव में। अदर समाज के लोग भी गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं,
और वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इन लोगों में एकता है। जब हम अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अच्छा होगा, तो लोग जुड़ते हैं। तो वही गुरु महाराज जी का मंदिर देख करके मज़ा आया मुझे, और मैं ऐसे ऐसे गुरुघरों में देखता रहता हूँ। अभी हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर भी इन्होंने बढ़िया अच्छा बनाया हुआ, बहुत ऊंचा मंदिर है ये। और मैंने जानकारी के अनुसार पता लगा अभी चंद्रशेखर जी भी पिछले साल आए थे, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी प्रशंसा की थी। वो भी कह रहे थे भाई बड़ा तकड़ा तुमने मंदिर बनाया है। तो भाई चमारों की खैर बात तो निराली है, ये जो काम या तो करते नहीं करते नहीं, बाजे बाजे मंदिरों पे तो इनके कुत्ते ही सोवें, लेकिन जहाँ लोग हमारे चिंतित हैं, ध्यान पूर्वक है, अपने गुरु में आस्था रखते हैं, वहाँ तो बढ़िया एकदम। देखो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा, इन्होंने पूरा अपने मंदिर बनाओ तो उनकी केयर करो। ये ऊपर का व्यूज है, ऊपर से आप दिखा रहा हूँ, पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव है ये, इससे उधर फिर हिमाचल लग जाता है, बहुत सुंदर गाँव है। और इसका नाम है महमदपुर, और ये नारायणगढ़ रोड पे पड़ता है, सडौरा विधानसभा में, बहुत अच्छा गांव है। और इस गांव में ये गुरुघर बना हुआ है, तो प्रकृति का आनंद भी ये लोग लेते हैं यहाँ, तो ये सौभाग्य है। गुरु महाराज जी के मंदिर हमें सब जगह देखने को मिलते हैं, तो गुरुघर बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है, मज़ा आ गया देख करके भाई मुझे तो। और आप देख सकते हैं इन्होंने कितना सुंदर आलीशान, मतलब काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, बहुत मेहनत और परिश्रम से इसको बनाया है। काफ़ी लोगों से बातचीत हुई कि जी बहुत समय लगा, और अभी भी ये धीरे 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 कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं। पैर वैर धोने का पूरा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, और ये बराबर में भी इनका कुछ धर्मशाला टाइप में होता है, जैसे शादी ब्याह कुछ भंडारा वगैरह करना होता है, कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन, तो लोगों को ये पूरा शौचालय, रेफ्रिजरेटर मशीन, ठंडा पानी गर्म, और पूरी सुविधा सुविधालय युक्त जो है ये आश्रम है। बढ़िया लगा, अच्छी बात है, गुरुघर होने चाहिए, क्योंकि देश में हमारे पूर्वजों की लड़ाई मंदिरों से भी रही है, आस्था के प्रतीक थे। हमारे संत नामदेव जी के को ब्राह्मणों ने धक्का दे करके मंदिर से बाहर फेंक दिया था, गुरु रविदास जी से भेदभाव हुआ, कबीर के साथ हुआ, बाबू जगजीवन राम जी को जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं जाने दिया, इंदिरा गांधी को मंदिरों में रोका गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं देश में जो अलग अलग तरीके से हुई हैं, मंदिरों पर ये सब राड़ झगड़े, जाति पूछना, जाति पूछ कर प्रवेश कराना, तो ये महाराज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का प्रयास रहा। उन्होंने हजारों मंदिर देश में बनवाए, और बाबू जगजीवन राम जी ने सैकड़ों मंदिर बनवाए। तो हमारे संतों महापुरुषों और पूर्वजों का ये परोपकार हमारे ऊपर रहा कि उन्होंने सबसे पहला आंदोलन गुरु घरों का ही छेड़ा, और उस गुरु घरों में हम सफल भी हुए। अभी हाँ यहाँ जी, से सभी भी गुरु लोगों से सतनाम, मिलवाते सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, स्वामी सतदास जी महाराज की जय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज हरियाणा के सडोरा विधानसभा के गांव महमदपुर में हूँ, और ये महमदपुर गांव जो है यहीं पहाड़ी इलाका, कुछ दूरी पे पर हिमाचल चल जाता है, हरियाणा का लगभग एंड सही है इधर की तरफ। तो बहुत अच्छे गुरुघर में आया हूँ, और यहाँ के जो निवासी हैं, आश्रम के सेवादार हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये इतना तगड़ा विशाल मंदिर गुरु रविदास महाराज जी का बहुत करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ है, कैसे बना और कितना इन लोगों का प्रयास है। हाँ जी विशाल भाई, सतनाम। सतनाम ये आज एक हम गुरुघर में आए हैं, आप लाए हैं हमको घुमाने के लिए, महाराज के दर्शन कराने के लिए, आपने दिखवाया बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ जी, तो ये मंदिर बनाने में कितना समय लगा आपको? इस मंदिर को बनाने में लगभग 6 से 7 साल लगे। अच्छा, नई जगह पे बनाया था या पहले भी यहाँ मंदिर था कोई? मंदिर की पुरानी जगह। अच्छा, पुरानी जगह, पुराना मंदिर था, फिर आपने इसको विकसित किया। हाँ जी। अच्छा, कितनी इसमें ये करोड़ों रुपए की लागत हुई, इतना पैसा कहाँ से आप लोगों ने इकट्ठा किया, कैसे कहाँ से आया? जो भी इस मंदिर में पैसा लगा हुआ है सभी गांव वालों का सहयोग है। अच्छा, ग्राम वासियों का, जाति धर्म न देखकर। कितने चमारों के घर होंगे यहाँ लगभग? लगभग यहाँ तो काफ़ी सारे घर हैं चमारों। अच्छा, और भी जो और लोग भी हैं सब सहयोग करते हैं एक दूसरे का? सभी सभी सहयोग करते हैं। अच्छा, तो और संतों का भी कभी आगमन हुआ है इधर, और कौन कौन महापुरुष यहाँ आते हैं? पुराने समय में स्वामी समनदास जी महाराज आश्रम महमदपुर साहिब में आते थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ प्रचार प्रसार बढ़ा, तो फिर लोगों में भाव जगे गुरु जी के प्रति, गुरु जी के प्रति भाव जगे। सतगुरु साहिब इष्टदास जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से जीवों को जगाया, प्रचार प्रसार किया गाँव के एरिया। नक्शा कहाँ से बनवाया था ये इतना अच्छा आपने? ये नक्शा तो ये पहला ही नक्शा है। अच्छा, छिछरौली के पास गाँव पड़ता है, जो कारीगर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बनाया। अच्छा, उनकी अपनी समझ से उन्होंने ये कॉलम वगैरह दे के फिर ये स्टील का इसका ये कब लगाया था आप लोगों ने पालकी? तो हो गए 3-4 साल हो गए। अच्छा,
ये चक्की आप लोगों ने बनवाई, कहीं से भेंट दी थी किसी ने बना करके? ये बनवाई थी जी। अच्छा, ये बनवाई थी जी, बहुत अच्छी बात है। और ये झंडा डंडा ये सब वाल फैन सब, यानी कि सहयोग गांव वालों का पूरा है। क्या क्या प्रोग्राम करते हैं गांव में आप लोग? यहाँ गांव में जी प्रोग्राम है, गुरुदास जयंती पे प्रोग्राम होता है, शोभा यात्रा का। और क्या क्या करते हैं साल में? पहले किया जाता है, रात्रि में सत्संग भी करवाया जाता है। अच्छा, जयंती के उत्सव पे करते हैं, दो तीन दिन का प्रोग्राम चलता है। और कोई धार्मिक आयोजन, कोई कार्यक्रम? धार्मिक आयोजन इसके साथ साथ आश्रम में महीने में दो प्रोग्राम। अच्छा, दो बार, क्या क्या तारीख है उनकी? उसमें महीने के दूसरे और चौथे रविवार को किया जाता है। लोकेशन क्या है इसके, यहाँ आने के लिए कोई आदमी बाहर से आना चाहे कैसे आएगा वो जगाधरी से, कैसे आएगा? डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर पड़ता है, सडौरा कस्बा पड़ता है। हाँ, कौन से रोड पर पड़ता है आपका गांव? कालाम रोड। हाँ जी, कालाम, कालाम रोड पर। और अम्बाला से कोई आना चाहे तो वो कहाँ से आएगा? अम्बाला से भी वो नारायणगढ़ रोड से आएगा। अच्छा, नारायणगढ़ से। बीच में किसके पास पड़ता है नारायणगढ़? ये आपका गांव किस जगह के आसपास पड़ता है? सडौरा। सडौरा भी पास ही पड़ता है नारायणगढ़। अच्छा, नारायणगढ़ के पास पड़ता है। मेहमदपुर इसका नाम है, मेहमदपुर साहब। अच्छा, कोई आदमी आए परिवार के साथ, रहने ठहरने की सुविधा यहाँ किस प्रकार की? आश्रम में आए? आश्रम में सभी प्रकार की सुविधा है। अच्छा, सेवादार मिलते हैं वहाँ? ये खाना रहना ठहरना सब सब व्यवस्था है। अच्छा, तो अच्छा लगता है आप लोगों को सेवा करके बाहर से आएगा अतिथियों की? मन लगता है, फुल सेवा करते हैं, मन लगाएगा। आपके इधर तो भंडारे भी ये अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, तो ये क्या लोग अपनी तरफ से ही भंडारे दे देते हैं कि आप लोग? महाराज ने सबसे पहले भंडारा बोला है। अच्छा, सतगुरु ने खोल दिए जो भंडारे, उसे क्या मांगने की? मांगने की। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आश्रम की तरफ से कभी भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गुरु महाराज जिसे लोग जुड़ते हैं, उनके घर अंदर के भंडार भरते हैं, जो थोड़ा थोड़ा दान इच्छापत्ति गुरु के नाम के निकालते हैं? क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का, बेगमपुर राज का, जो उन्होंने सपना देखा था उसको पूरा होते हुए ये समाज देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये थे अपने विशाल भाई, और इन्होंने यहाँ की जानकारी दी, और इनके दोस्त लोग हैं मेरे साथ, अनुज भाई आए हैं। और ये तुम्हारा क्या नाम है भाई? आशीष है। ये आशीष है, हमें लेकर आया अपनी गाड़ी पे। और ये दो पहलवान पीछे हैं, ये भी इसी गांव के हैं, और गुरुजी के दर्शन कराने लाए। देखो, ये गुरु महाराज की महिमा है कि हम लोग भी इनसे यहाँ मिले, नहीं तो दुनिया तो सभी जीरी खारी फिरी, लेकिन गुरु महाराज के दरबार में हम लोगों को भी हाजिरी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम गुरु महाराज जी से अरदास प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई लोगों के काम और तकड़े हों और अच्छे हों, ऐसे हर जगह ये लोग दान पुण्य करें, गाँव में खूब उन्नति हो, और खूब उनके और मंदिर तरक्की करें और अच्छा। बराबर में एक बढ़िया भवन भी बनाया हुआ है, कोई इनके धार्मिक आयोजन प्रोग्राम जैसे होते हैं तो उस हिसाब से भी वहाँ लोग ठहर सकते हैं यार वैसे भी। और इन्होंने पूरा ये सीसीटीवी लैस, पूरे फैन, किसी को गर्मी ना लगे, देखो पंखे पंखे घूम रहे तो। और बढ़िया स्टील की पालकी में गुरु रविदास महाराज जी, और एक पालकी उधर, पाट फूट पूरा टाइल पत्थर लगा के फिट फोर बना के इसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो सभी का सहप्रेम आभार, आप लोगों ने हमें इतने दुर्लभ मंदिर के दर्शन कराए, और ये सामने का इतना अच्छा व्यूज, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम गुरु महाराज रविदास जी का इसी तरह से आपको नई नई अच्छी अच्छी जगहों के दर्शन कराते हैं। तो चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है, और गुरु महाराज जी का मंदिर आपने देखा गुरुघर, तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कैसा लगा ये हमारी जानकारी, कितना अच्छा व्यूज़ आपको नज़ारा देखे। और सूर्य देव भी बिल्कुल सर माथे पर हैं, बिल्कुल हेड पर हैं गुरुघर के। तो गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, और इस गाँव के महमदपुर गुरु रविदास टेम्पल की भी जय। तो ये विशाल भाई के गांव में हम आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गुरुघर है। कभी आपको आना हो तो ज़रूर यहाँ आइएगा दर्शन।